पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सीएम अशोक गहलोत ने नमन किया। ट्वीट के माध्यम से राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दूरदर्शी सोच के धनी, भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को जन्म दिवस पर शत शत नमन। ये ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। पीसीसी में पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट यहां मौजूद रहे। सद्भावना दिवस के रूप में राजीव गांधी की जयंती मनाई जाती है। जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर भी पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ। राजीव जी को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। युवा सोच का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने देश को एक नई सोच दी, देश को इस बात के लिए तैयार किया कि 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए देश 20वीं सदी में अपने आप को तैयार करे। नई शिक्षा नीति, दल बदल विरोधी कानून, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बहुत महिलाओं के प्रति उनका जो एक महिलाओं की जो पीड़ा समझने का उनका एक भाव था। कंप्यूटर की बात हो, मोबाइल की बात हो, देश को एक नया रूप देने की बात हो, राजीव जी ने हर क्षेत्र में पहल की। मैं ऐसे विशाल व्यक्तित्व को आज जो हमारे बीच में नहीं है, देश की एकता अखंडता देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको ताकत दे कि हम उनके बताए मार्ग पर चल सके। हमारे महान नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के ऊपर उनकी चित्र को पुष्पांजलि अर्पित की गई है। राजीव गांधी जी ऐसे नेता थे जो आज डिजिटल क्रांति हम देख रहे हैं वो भारत को अगर किसी ने दी तो राजीव गांधी जी थे। 18 वर्ष के युवाओं को अगर वोट देकर के सरकारें चुनने का, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया तो वो राजीव जी थे। महिलाओं को स्थानीय निकायों में और पंचायती राज में अगर 33% आरक्षण देने का काम किया तो वो राजीव जी थे। राजीव जी ने इस आधुनिक भारत के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और देश की एकता और अखंडता के लिए वो शहीद हो गए। मैं समझता हूं राजीव जी नहीं होते और राजीव जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो ये जो आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार की व्यवस्था, मैं समझता हूं वो नहीं हो पाती। विपक्ष ने उस वक्त भी बहुत कुछ कहा था लेकिन आज जो स्वरूप दुनिया में जो स्थान भारत का बना है उसमें राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमने हमारे महान नेता को जो कम उम्र लेकर के आए थे, हमारे बीच में कम समय तक रहे, उनको हमने जयंती के उपलक्ष्य में ये जयंती